हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कबाड़ी को बेची रेल संपत्ति, तीन गिरफ्तार। आरपीएफ ने किया रेल संपत्ति बेचने का किया पर्दाफाश। रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंपनी के वाहन चालक से मिलकर कबाड़ी को बेची रेल संपत्ति। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे की संपत्ति बेचने के मामले में एक प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, कंपनी के वाहन चालक व कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंपनी के वाहन चालक के साथ मिलकर कबाड़ी को रेल संपत्ति बेच दिया। आरपीएफ निरीक्षक रणबीर सिंह सियाग के अनुसार मुखबिर ने शहर में किसी कबाड़ी के पास अवैध रूप से रेल संपत्ति आने की सूचना दी। सूचना को पुख्ता करने के लिए शहर के अलग अलग कबाड़ियों की दुकानों पर आरपीएफ निरीक्षक मय टीम द्वारा दबिश दी गई। मानपुर में वैष्णवी ऑटो गैरेज के पास स्थित कबाड़ी की दुकान में अवैध रूप से रेल संपत्ति पाई गई। कबाड़ की दुकान में 5 नग पॉइंट ग्राउंड कनेक्शन, एक पलेंजर टाइप फेसिंग पॉइंट लॉक, 8 ग्लूट ज्वाइंट की फिश प्लेटे, 3 स्ट्रेचर रोड व IHI के खम्भों पर लगाई जाने वाली गाइड रोड पाई गई। एक कबाड़ की दुकान पर मौजूद मोहम्मद आरिफ से पूछताछ की गई। इस पर उसने रेल संपत्ति रफी इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्रो लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर के चालक इंद्र सिंह से खरीदना स्वीकार किया, जिस पर इंद्र सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि रेल संपत्ति रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर हरीश सेन के आदेश से कबाड़ी को बेची गई है। इस संबंध में रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर हरीश सेन से पूछताछ की गई। इस उसने आरोप स्वीकार कर लिया। आरपीएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई रेल संपत्ति की कीमत 10,300 रुपए आंकी गई है। तीनों आरोपियों को जोधपुर रेलवे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।